Yes, ma'am. So today we will do the step number 3 of lemma of open mapping theorem. Step number 3. So we claim that, now what we want to prove, we claim that T of P1 Clujar minus singleton set Y0 is contained in T of B0. ठीक है जी. Now, एक सेट दूसरे में कंटेन है, यहां पे पहुंचना है आपने. अगर इस सेट पे पहुंचना है तो आप क्या कहेंगे, लेट वाई बिलोंग्स टू, हमने एक पॉइंट ले लिया बेटा इस सेट में, लेट वाई बिलोंग्स टू टी ऑफ बी वन क्लोयर माइनस वाई नॉट बी आर्बिट्रेरी. ठीक है जी. सो अब देखो, जो पॉइंट क्लोयर में आ गया बेटा, जो पॉइंट क्लोयर में आ गया वो आपका लिमिट पॉइंट बन गया. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि y इज द लिमिट पॉइंट ऑफ t ऑफ b1 क्लोयर माइनस y नॉट. अब y इज द लिमिट पॉइंट ऑफ t ऑफ b1 ही रहेगा, क्योंकि बेटा y नॉट जो है वो इसमें से निकाल दिया गया, तो y जो है वो y नॉट के बराबर नहीं आएगा. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर मैंने ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हम किस में ऐड कर देंगे, y में ऐड कर देंगे. सो इट इंप्लाइज वहां से माइनस किया, यहां पे हमने इसको ऐड कर दिया, इज द लिमिट पॉइंट ऑफ T of B1 Clujar is a limit point of T of B1 Clujar. तो अगर ये limit point है, T of B1 Clujar नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे T of B1 आएगा. Y plus Y not is the limit point of T of B1. क्योंकि क्लोयर में तो वो पड़ा ही हुआ है, क्लोयर में जितने पॉइंट्स हैं बेटा, वो सारे के सारे पॉइंट्स आपके क्लोयर में जो पॉइंट्स हैं वो सेट के भी पॉइंट्स हैं और लिमिट पॉइंट्स भी हैं. ठीक है, तब बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस un, किस में, tb1 में. ठीक है, such that limit n tends to infinity un की limit क्या आएगी बेटा, y plus y naught. कि अगर y plus y naught किसी set का limit point है, इसका मतलब उस set में एक sequence exist करेगी, आपकी ये position बन रही है बेटा. देखिए, ये मेरा पूरा t of b1 Clujar है. ठीक है, right, और ये मेरा सेट क्या है, T of B1. मेरा जो पॉइंट है वो मेरा यहाँ पे, क्योंकि ये लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब यहाँ पे एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी जो किसको टेंड करेगी, y प्लस y नॉट को, क्योंकि ये लिमिट पॉइंट किसका है, ये लिमिट पॉइंट T of B1 का है. क्लियर. चलिए उसके बाद, सो अब आप ध्यान से देखिए, हमने एक सीक्वेंस में लिया. मैं इसको प्रैक्टिकली देखूं कि ये मेरा टी है, ये मेरा एक्स वाई है, यहाँ पे मेरा बी वन था बॉल, उसकी कोई इमेज आ रही है जिसका नाम है टी ऑफ बी वन, जिसमें कौन पड़ा है, यू एन पड़ा है, और मैपिंग हमें दी हुई है इस लेमा की, जो मैपिंग है इट इज गिवन टू बी एन ऑन टू मैपिंग. अब यहाँ पे ये इमेज का काम कर रहा है बेटा, अगर ये इमेज का काम कर रहा है तो इसका मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक यू एन डैश पड़ा है, ताकि जो इसकी इमेज है, इसकी जो इमेज है टी ऑफ यू एन डैश, ठीक है, टी ऑफ यू एन डैश वो किसके बराबर है, यू एन के. सो देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस यू एन डैश बिलोंग्स टू बी वन such that t of u1 dash is equal to un for all n belongs to n. ठीक है जी, and limit n tends to infinity un is equal to y plus y, very small un है, right? ठीक है जी, इस expression को हमने number 3 ने दिया, जो पीछे हमने step number 2 में किया last में, वो आपका क्या आएगा, step number 2. ठीक है, point number 2. अब उसके बाद क्या है, अब उसके बाद अगला जो ट्विस्ट आता है,
यहां से अब आपने क्या करना है, y नॉट जो है, अब एक पॉइंट y नॉट है, y नॉट किस में आ रहा है बेटा, अपनी बॉल में, हर पॉइंट अपने बॉल में जरूर आएगा, जिस सेंटर से बॉल बनाई गई है, मान लो ये पॉइंट है y नॉट, अगर मैं इसे एक बॉल बना रही हूं तो ये पॉइंट सेट के अंदर आता ही आता है, राइट। और उसके बाद दिस इज कंटेन्ड इन दिस बॉल सेंटर्ड एट y नॉट इज कंटेन्ड इन t ऑफ b1 क्लोयर, दिस इज बाय नंबर वन। नंबर वन देखिए, नंबर वन आपके पास है जहां पे आपने डेफिनेशन लगाई थी समवेयर डेंस सेट की, वहां पे आपके पास ये एक्सप्रेशन पड़ा हुआ कि दिस बॉल इज कंटेन्ड इन टी ऑफ पी वन क्लोयर। इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस वी एन डैश, there exists a sequence v n dash in b1 such that t of v n dash is equal to v n। बार बार बेटा वही पॉइंट कह रहे हैं कि अगर आपके पास यहाँ पे एक t of b1 पड़ा हुआ है और b1 में एक सीक्वेंस आ रही है v n dash, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक सीक्वेंस पड़ी होगी, राइट, so that t of vn dash is equal to vn and limit n tends to infinity vn is equal to y naught। और vn की जो लिमिट है वो किसके इक्वल आएगी, that will be equal to y naught। so हमने इस एक्सप्रेशन को दे दिया नंबर फोर। अब थ्री आपके पास था, मैं थ्री और फोर दोनों लिखती हूँ। थ्री आपके पास था लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी यू एन इज इक्वल टू वाई प्लस वाई नॉट, और ये नंबर थ्री था। नंबर फोर आया है टी ऑफ वी एन डैश इज इक्वल टू वी एन एंड लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी वी एन इज इक्वल टू वाई नॉट, ठीक है जी। नाउ फ्रॉम थ्री एंड फोर, थ्री और फोर से क्या बना बेटा, दो सीक्वेंसेस आ गए आपके, एक वी एन डैश राइट और एक यू एन डैश, दोनों किसमें आ रही हैं, यहाँ पे दोनों ही सीक्वेंसेस जो हैं, दिस इज योर बी वन और यहाँ पे एक सीक्वेंस यू एन डैश है, एक सीक्वेंस वी एन डैश, और इसकी इमेज जो थी उसका नाम है टी ऑफ बी वन, जिसमें कौन पड़े हैं यू एन एंड वी एन। सो सो फ्रॉम थ्री एंड फोर वी गेट द सीक्वेंस यू एन डैश एंड वी एन डैश belongs to b1 such that, अगर मैं इनके बीच का, आप ये वेक्टर है बेटा और वेक्टर का हमने क्या ले लिया यहाँ पे, नॉर्म ले लिया, this is less than or equal to norm of u n dash plus norm of v n dash for all n belongs to x, और इनका यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा, क्योंकि हम किस में बात कर रहे हैं, हम मैट्रिक्स स्पेस बनाक स्पेस x में बात कर रहे हैं। अब what is the length of u n, वट इज वाओ यू एन, यू एन जो है अब ध्यान से देखना है क्योंकि यू एन किस में आ रहा है, देखिए बेटा अब ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है नोट करने वाला, यू एन डैश किस में है, बी वन में, और बी वन एक बॉल है, ठीक है जी, जिसका सेंटर जीरो है और रेडियस कितना है यहाँ पे टू रेस्ट ओ माइनस वन बाय टू, तो वी एन डैश भी किस में आ रहा है, बी वन बॉल में, उसका सेंटर जीरो है और रेडियस वन, इसका मतलब यू एन डैश और जीरो का जो नॉर्म है वो लेस देन वन बाय टू एंड वी एन डैश माइनस जीरो इट्स नॉर्म इज लेस देन वन बाय टू। तो अभी आपका जो एक्सप्रेशन आया है वो एक्सप्रेशन था यू एन डैश माइनस वी एन डैश इट्स नॉर्म, दिस इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू एन, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अगले स्टेप में मैंने जीरो लगा दिया और ये आपका साइड में सारा आएगा एक्सप्रेशन, सो दिस इज लेस देन वन बाय टू एंड दिस इज लेस देन वन बाय टू, राइट। सो क्या प्रूव कर दिया आपने, व्हाट यू हैव प्रूव्ड, यू एन डैश माइनस वी एन डैश इट्स नॉर्म इज लेस देन वन बाय टू, इसका मतलब यू एन डैश वी एन डैश जो एक वेक्टर है उसका जीरो से जो डिफरेंस है वन बाय टू से कम आ रहा है, इसका मतलब इट मीन्स यू एन वेन वी एन डैश बिलोंग्स टू ओपन बॉल विथ सेंटर एट जीरो, सॉरी दिस कम्स आउट टू बी प्लस वन बाय टू, प्लस वन बाय टू, तो ये कितना बनता है वन, तो दिस कम्स आउट टू बी वन, तो दिस इज अ point or vector which belongs to the ball
सेंटर है जीरो एंड रेडियस वन और इस बॉल का नाम है बी नॉट. सो देयर फोर यू एंड डैश माइनस वी एंड डैश बिलोंग्स टू द बॉल बी नॉट फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू एन. अब हम इसकी इमेज देख लेंगे साथ में ही. नाउ लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी टी ऑफ यू एंड डैश माइनस वी एंड डैश दिस इज इक्वल टू लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी t of u n dash minus limit n tends to infinity t of v n dash. So what is the image? आपके पास आपको पता है what is the image? This is u n. ये सारा जो concept हमने पीछे निकाला वो सारा का सारा बेटा यहाँ पे solve हो गया. और what is the limit of u n? This is y plus y naught. What is the limit of v n? This is y naught. So you will have it is equal to y. So it implies limit n tends to infinity t of u n dash minus v n dash. This comes out to be y, right? U n dash की image क्या आ गई आपके पास? Y आ गई. अब हम यहाँ से इसको compile करेंगे कि वहां से आपने कहा u n v n dash जो vector था वो एक ball में आया और उस ball का नाम क्या था? B naught. This is u n dash minus v n dash, right? अब इसकी जो image है, इसकी image का नाम है t of b naught, right? और आपके पास इसकी image आई है t of u n dash minus v n dash की जो image है, वो किसके equal आई है? Y के equal आई है. Is it clear? So therefore y. अब हमें नहीं पता अभी इमेज देखो इमेज चाहे इसकी y आई है लेकिन ये इसमें तभी होगी जब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा तो ये बाहर भी आ सकती है बेटा. तो इमेज इसके जो पॉइंट है वो बाहर आ सकता है. ये टीबी है ये इसका क्लोजर है राइट. सो वाई पॉइंट जो है वो बाहर भी आ सकता है. वाई की जो लिमिट होता है लिमिट इज ऑलवेज द लिमिट पॉइंट. लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इज ऑलवेज द limit point. So y is the limit point of the sequence t of b naught. So jo limit point hota hai beta wo definitely kisme belong karta hai? It belongs to the closure. To humne kahan se shuru kiya tha? Therefore for all y belongs to t b 1 closure minus y naught implies y belongs to t of b naught. It implies T of B1 closure minus Y0 is contained in T of B0. This is the completion of the step number 3. Right?